बदायूं में तहसील सदर की एसडीएम न्यायिक कोर्ट ने जमीन से जुड़े एक विवाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को समन भेजकर कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी कर दिया। समन राजभवन पहुंचा तो राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने डीएम को पत्र लिखकर आपत्ति जताई और कार्यवाही करने का आदेश दिया, जिसके बाद डीएम ने समन निरस्त कर दिया है। एसडीएम न्यायिक कोर्ट को इस तरह की पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी दी है, फाइलों को सही प्रकार से पढ़कर या हस्ताक्षर करने को कहा है। दरअसल मामला तहसील सदर क्षेत्र के लौड़ा बहेड़ी गांव का है, जहां के रहने वाले चंद्रहास नाम के एक किसान ने एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार की कोर्ट में धारा 144 राजस्व संहिता के तहत लेखराज पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और राज्यपाल को पक्षकार बताते हुए साल 2019 में वाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि बुआ की बहन के बेटे चंद्रपाल ने उनकी बुआ कटोरी देवी की 3 बीघा जमीन अपने नाम करा ली थी, जिसने उसे जमीन को शहर के ऊपर पारा मोहल्ला निवासी लेखराज नाम के व्यक्ति को बेच दी। कुछ दिनों बाद 1 बीघा जमीन बाईपास के लिए अधिग्रहित हुई, जिसके एवज में लेखराज को साल 2020 में 15 लाख रुपए मुआवजा राशि भी मिल गई। इसके बाद चंद्रहास ने एसडीएम न्यायिक कोर्ट में उसी जमीन की खतौनी में अपना नाम दर्ज कराने की मांग की। एसडीएम न्यायिक ने 10 अक्टूबर को राज्यपाल को समन जारी कर 18 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। वहीं समन पहुंचने के बाद 16 अक्टूबर को राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ ने बदायूं के जिलाधिकारी को पत्र भेजकर आपत्ति जाहिर की, साथ ही निर्देश दिया कि राज्यपाल को समन या नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल को समन भेजकर संविधान के अनुच्छेद 361 का उल्लंघन किया गया है, जो घोर आपत्तिजनक है। इसके बाद बदायूं के जिलाधिकारी मनोज कुमार ने समन निरस्त कर दिया, साथ ही तहसील सदर के एसडीएम न्यायिक को पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें कि एसडीएम न्यायिक कोर्ट से राज्यपाल को समन जारी होने के बाद जिला प्रशासन से लेकर शासन तक खलबली मच गई, लेकिन वाद दायर करने वाले चंद्रहास को नोटिस के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बुआ उनके साथ रहती थी, वही सेवा करते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बुआ की जमीन पर अपना हक बताया, जिसका चंद्रपाल ने फायदा उठा लिया। वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी मनोज कुमार का कहना है कि राज्यपाल के विशेष सचिव का पत्र मिला था, जिसके बाद समन निरस्त करा दिया गया है। एसडीएम न्यायिक को इस तरह की पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों को कहा गया कि आदेश को पूरी तरह से पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। तो हमने वो मुकदमा डाला, ये जमीन जो हमारी है, हमारी जमीन है, ये मुआवजा किसी और को क्यों मिला? तो वो जमीन तो हमने मुकदमा डाला, और जब वो बैनामा हुए हैं तो हमें तब पता चला, क्योंकि वो बंजर जब भूमि थी वैसी, उसमें पतेल फतेल काट लाया करते, जिसकी ये नहीं मालूम कि कौन कब्जा है, किसका क्या है, उनको पतेल काटने जाते थे। और जब बैनाम हुआ तब पता चला कि इसका बैनामा हो गया है, तो वो चंद्रपाल व्यक्ति नाम का लड़का वो था, वो बेच के चला गया लेखराज। तो सड़क का जो मुआवजा मिला था, तो जो जमीन सड़क में गई थी, तो उसके पैसा लेखराज को मिला, और हमने मुकदमा डाला। अच्छा, तो उसमें कोई नोटिस जारी हुआ है, पता लगा? नोटिस की हमें तो नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। नोटिस नोटिस कैसे कैसे जारी हुए हैं आपको नहीं मालूम? हमें नहीं पता। तो वो वहाँ कोर्ट में ही पता होगा, कैसे पता होगा? हाँ, कोर्ट को यहीं मालूम होगा, हमें नहीं मालूम है।